यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेघा पाटेकर, आगरा से अगर बात करें तो अब दिल्ली आ चुकी है, यहाँ पे किसानों के प्रदर्शन को वो लीड कर रही है। मैम, किसानों के प्रदर्शन को आप लीड कर रहे हैं, केंद्र सरकार ये कह रही है कि तमाम लोग गुमराह कर रहे हैं किसान को, हमने केवल किसानों के फायदे के लिए बिल लाए हैं। अब इससे और भ्रामक प्रचार क्या हो सकता है, क्योंकि वो तीनों बिलों का अभ्यास न करते हुए हम नहीं बोल रहे हैं। हम राजनीतिक दलीय राजनीतिक भूमिका नहीं ले रहे हैं, हम जन आंदोलनों के साथी हैं, किसानों, मजदूरों, मछुआरों के साथ सतत काम करने वाले साथी हैं, और इन तमाम प्राकृतिक संपदा पर जीने वालों के खिलाफ ये बिल्स हैं। ये बिल्स नहीं, अभी कानून बन गए हैं, लॉकडाउन में इसीलिए बनाए गए क्योंकि उनको पता था कि इन बिलों पर अभ्यास करेंगे और लोग अपनी भूमिका रखेंगे। और उससे स्पष्ट है कि वो कॉरपोरेट्स के हाथ में मंडियां देना चाहते हैं, कॉरपोरेट्स को जमाखोरी की छूट देना चाहते हैं, तो वो महंगा ही मिलेगा अनाज हर किसी को, तो गरीब जनता, आम जनता, मेहनतकश जनता अन्न सुरक्षा भी खो बैठेगी। और हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि खेती भी खेती की ज़मीन के लिए या नकदी फसल से मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट चाहते हैं। आपके मीडिया को तो ले लिया, उसका फायदा उन्होंने कमाना चालू किया, मीडिया के कर्मचारियों पर अन्याय करते हैं, कभी भी छटनी करते हैं। अब 24 श्रमिकों के कानूनों को रिपील किया, वापस लिया, तो अब कंपनियां और मालिक और मजदूर के बीच का विवाद मिटाने के लिए कोर्ट्स भी कोई स्वतंत्रता से नहीं चलेंगे, कई सारे अधिकार छीन लिए, तो हर चीज़ उनकी कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा और मुनाफा देने के पक्ष में है। इसलिए इन कानूनों का विरोध नहीं करेंगे तो खेती नहीं बचेगी, खेतीहर नहीं बचेगी, अन्न सुरक्षा नहीं बचेगी। मैम, 3 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री ने बुलाया अपने यहाँ, आप लोग जाएंगी, अगर बात नहीं बनती तब आगे क्या करेंगे? 3 तारीख तो भोपाल गैस कांड का दिन है, कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं वो स्पष्ट हो गया यूनियन कार्बाइड के द्वारा, और क्या सजा भी कर सकती है न्यायपालिका, सरकार का कैसे हस्तक्षेप रहता है ये भी स्पष्ट हो गया। पर 13 नवंबर की चर्चा का फलित नहीं निकला, 7 घंटे चर्चा की पंजाब के संगठनों के साथ, लेकिन उनको कोई MSP पर जवाब नहीं दिया, उनको कोई ये 3 कानून वापसी पर जवाब नहीं दिया। अब फिर 3 दिसंबर तारीख लगी, हम बातचीत संवाद नकारने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आज की केंद्र की सरकार या कहीं भी राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार है वो संवादशील होती ही नहीं है, केवल कांग्रेस की सरकारें, अन्य पार्टियों की सरकारें कुछ संवादशीलता दिखाती हैं, तो भी हम संवाद मंजूर करते हैं। पर अभी 3 दिसंबर को फिर से उन्होंने पंजाब के ही संगठनों को बुलाया, पिछली बार जब पंजाब के संगठनों को बुलाया हमने तो बिल्कुल मंजूर किया, परीक्षा ले लो, और परीक्षा जो हो गई उसमें मोदी सरकार तो हार ही गई क्योंकि वो एक भी सवाल का जवाब नहीं, इसलिए वो अभी फिर से 3 दिसंबर को, उनको लग रहा था कि 3 दिसंबर का लॉलीपॉप देकर 26-27 का कार्यक्रम रद्द करेंगे। ये कार्यक्रम है, आंदोलन तो लंबा होता है, उसमें कई सारे कार्यक्रम सत्याग्रह होते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब वो 3 दिसंबर को चर्चा चाहते हैं। पर पंजाब के संगठनों ने कहा है कि अभी हमारा व्यापक समन्वय बन गया है, 500 किसान संगठन हमारे साथ है, तो सभी के प्रतिनिधियों को आप बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो पंजाब को अकेला पाटते हैं, खुन्नस से मालगाड़ियाँ रोकते हैं, सब कुछ हो रहा है, हरियाणा को अकेला करके दमनकारी रुख अपनाते हैं, यूपी को बॉर्डर रोकने के लिए कहते हैं, यूपी के अधिकारियों ने, हम 2 दिन 2 रात वहाँ पड़े थे यूपी के बॉर्डर पर, तो उन्होंने कहा हमको आदेश दिल्ली का, हमने कहा कौन सी धारा में, कौन से कानून के तहत आप हमको रोक रहे हैं, वो तो लिखित में दे दो, कुछ नहीं। तो ये सब गैर कानूनी क्रिया प्रतिक्रिया उनकी चल रही है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम आंदोलन कब तक चलेगा अगर माने केंद्र सरकार से बात नहीं बनती तो? खाली नहीं होता है, देखिए जब हमारी मंजिल दूर की होती है, व्यापक होती है, तो एकदम आज के 12 बजे तक हमारा निर्णय हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं है। और ये तो एक राष्ट्रीय बड़ा व्यापक आंदोलन है, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर पूर्व भारत तक, पश्चिम और पूर्व तक आंदोलन बढ़ रहा है, सबको ही इस भूमि पर आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने अपने जगह पर किसान आवास कर रहे हैं। आंदोलन ऐसा ही होता है, जब राष्ट्रीय होता है तो विकेंद्रित ही होता है, पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड की ये भूमि ऑफर की है, हम उसका स्वागत करते हैं, इसकी भी प्रशंसा करते हैं, जिन राज्यों ने कानून निकाले हैं किसानों के पक्ष में, जैसे राजस्थान के सबसे अच्छे 3 कानून हैं, पंजाब ने 2 कानून निकाले, छत्तीसगढ़ ने, हम उसका भी स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार से आप लोग क्या डिमांड करेंगे, क्या कानून विड्रॉ किया जाए या फिर कुछ कानून विड्रॉ किया जाए,
उसमें इच बीच का सुधार कोई संभव नहीं, ऐसे होशियारी से उसका ड्राफ्टिंग हुआ है। और बिजली बिल भी रद्द किया जाए क्योंकि लागत बढ़ेगी और इनका लाभ का MSP को नहीं बढ़ रहा है। से बातचीत करेंगे। तीन मेगा पाटेकर हैं जो कि आगरा से चल के अगर आप बात करें तो दिल्ली पहुंच चुकी है और यहां पे आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि तीनों कानून को केंद्र सरकार विड्रॉ करे, बगैर उसके ये आंदोलन अब नहीं थमेगा। आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए है और निश्चित काल ये चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून विड्रॉ नहीं करती है। 3 दिसंबर को किसान के संगठनों से और केंद्र सरकार से बातचीत होनी है। अब देखना यह क्या हल निकलता है बातचीत में। कमिश्नर बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।